हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है गाजी का बर्थडे। हालांकि गाजी का बर्थडे 5 नवंबर को आता है, तो 5 नवंबर के दिन हमारे यहाँ था रिसेप्शन, तो इस वजह से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए उस दिन। लेकिन आज घर में सब लोग मौजूद हैं, जितने भी फर्द हमारे घर में हैं वो सब आज मौजूद हैं घर में, तो इस वजह से आज सेलिब्रेट हो रहा है। दानिश के यहाँ केक लेने के लिए कितनी देर अभी कह रहे? आपने कहा था 7:30 बजे आएंगे आप। हमने बोला था कि बाद में दुकान कब तक आपकी खुली रहती है। 7 बजे भी नहीं है। हमने पूछा था उसके प्रिकॉशन के लिए कि शॉप कब तक खुलेगी। मान ली हम नहाने लगे, लेट हो गया, हमने कहा चलो केक बन गया है तो नहाने से पहले ले लें आके। कितनी देर लगेगी अभी? आधा घंटा सामान की चलिए। आधे घंटे ज़्यादा नहीं लगेगा? मैंने पूरी सजावट कर दी है, हालांकि कुछ ताम झाम वाला नहीं करना है, बस ऐसे गेट टुगेदर ऊपर नीचे है। तो बस हल्का सा मैंने बलून फुला दिया है और गाजी यहाँ आप देख सकते हो, ये गाजी यहाँ पे स्लाइड भी लगी कि वो परेशान ना करे। बस ये हल्का सा जो है सजा दिया, बलून है और कुछ भी नहीं है। आपने बोला ही था वाइट तो सही किया, वाइट करते फ्लेवर खराब हो जाता है। आप क्यों कर रहे हो? और नाश्ते का सामान आ गया, मतलब कि जो भी हम लोग करेंगे, तो स्प्रिंग रोल और न जाने क्या क्या दानिश ला के पहले से रख दिए हैं। और अब मैं बिरयानी बना रही हूँ क्योंकि सब लोग को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिरयानी बन रही है। तो ये देखिए, ये हमारी यखनी तैयार है, बस हमें चावल भिगो के उसमें डालना है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेडी होने, गाजी को रेडी करने। गाजी को पहले खाना खिलाऊंगी, उसके बाद जो है केक, उसके बाद मैं रेडी होंगी। उससे पहले मुझे चावल भिगोना है, चावल भिगो के फिर आती हूँ। बलून किसने बुलाया है? हमने, हमारी बीवी ने बुलाया बलून। हमारे पास सबूत है, वो अपने ब्लॉग में डालेंगे। एक पेट बुला ली अपने ब्लॉग के लिए, उसके बाद ये मकार है, सिर्फ उसमें पंप में मुंडी भी लगा रही थी। हां है क्या पंप से हाथ दर्द कर गया उसका, पंप से हाथ देखो पूरा लाल हो गया है। कहां लाल हो गया है? लाल सूजन है। तो मोटापा कहते हैं, सूजन नहीं कहते। लो इनके बाबा, सबके बाबा, इनके ही बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम, लो भाई सबको बांटो सारा। आओ बाबा अंदर आओ, जल्दी दौड़ के बाबा आइए अंदर। अंदर तो आने दो, कलर्स जैसे पिछले बाप आए सऊदी से, सऊदी से कमा के आओ क्या बाबा? मजदूर आदमी आ गया इस टाइम। और भाई क्या हाल? और भीड़ तो बहुत कम है आज मार्केट में, मार्केट भीड़ तो बहुत कम है भैया, बहुत बुरा हाल है। अरे हीरो जल्दी आओ इधर यार। पापा हाँ बेटा जी जी, केक टाइम हुआ है। क्या टाइम है? केक, केक टाइम। देखो लेके जा रहे हैं केक टाइम। केक काटोगे? केक मुझे अच्छा ठीक है।
सबसे पहले जलेगा, इसको जलाना सबसे पहले आया क्यों? बिरयानी मेरी बन चुकी है। बिरयानी की रेसिपी अगर आप लोग आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी बिरयानी। मैंने बहुत बिरयानी की रेसिपी डाल रखी है, तो अभी यहाँ पे मेरी बिरयानी रेडी हो चुकी है। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। अभी यही जा रहे बनाने। सो या गाइस, ये देखिए मेरी बिरयानी बन चुकी है और मैं निकालने जा रही हूँ बिरयानी। हमको लग रहा है चिकना ज़्यादा पड़ गया है, है ना? नहीं, अच्छी की बात नहीं, चिकने नहीं, की ठीक बात है। चिकना नहीं होता, रूखी में नहीं अच्छी। खाने दो, आ इधर आओ। उसमें खाई चली में, उसमें निकालिए आप, उसमें ना खाइए। अरे ठीक है, अरे नहीं पूरी लोग सब लोग जा चुके हैं ऊपर, मतलब कि ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, यही होता रहता हम लोग क्या। तो एक छोटा सा गेट टुगेदर हम लोगों ने रखा था। गेट टुगेदर तो रोज ही होता है, लेकिन बस एक बहाना था ये बर्थडे पार्टी का। और तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक और चीज, अब मुझे बहुत लोग फोर्स कर रहे हैं कि खिचड़ा बनाओ, खिचड़ा बनाओ, खिचड़ा। खिचड़ा जानते हो, खिचड़ा वो होता है हलीम, हलीम जिसे कहते हैं खिचड़ा, तो वो मेरे हाथ का बहुत ज्यादा मशहूर है। तो हो सकेगा तो मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, अगर नहीं हो पाएगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है खिचड़ा बनाना। तो जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताइएगा। खाक डटिंग हो पाएगी।